इन बातों को जिंदगी भर याद रखिए। बेटियों का विवाह 21 से 25वें वर्ष तक और बेटों का विवाह 25 से 29वें वर्ष की आयु तक हर हाल में हो जाना चाहिए। गांव से नाता जोड़ कर रखे और गांव की खानदानी संपत्ति और वहां के लोगों से नाता जोड़ कर रखे। फ्लैट न लेकर जमीन खरीदे और उस पर अपना घर बना, वरना आपकी संतानों का भविष्य पिंजरे में पंछी की तरह हो जाएगा। घर में बागवानी करने की आदत डालें और यदि पर्याप्त जगह है तो देशी गाय पालें। नई युवा पीढ़ी को काम से काम 3 संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करें। प्रातः काल 5:30 बजे उठ जाए और रात्रि को 10 बजे तक सोने का नियम बनाए। सोने से पहले आधा गिलास पानी अवश्य पिए, इससे हार्ट अटैक की संभावना घटती है। अपनी संतानों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दे और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर अवश्य ध्यान दे। किसी भी आतंकवादी परवृत्ति के व्यक्ति से सामान लेने देने व्यवहार करने से यथा संभव बचें। घर में पुत्र का जन्म हो या कन्या का, खुशी बराबरी से मनाएं, दोनों जरूरी है। अगर बेटियां नहीं होगी तो परिवार व समाज को आगे बढ़ाने वाली बहुएं कहां से आएगी, और बेटे नहीं होंगे तो परिवार समाज व देश की रक्षा कौन करेगा। होली, दीपावली, विजयदशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने भी त्योहार आए उन्हें ऑफिस कार्य से छुट्टी लेकर सहपरिवार मनाएं। अपने घर पर एक हथियार अवश्य रखें और उसे चलाने का निरंतर हवा में अकेले प्रयास करते रहें, ताकि विपत्ति के समय प्रयोग कर सकें। जैसे लाठी, हॉकी, गुप्ती, तलवार, भाला, त्रिशूल व बंदूक, पिस्तौल लाइसेंस के साथ। यदि आपकी कोई एक संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको कोई भी हुनर स्किल वाला ज्ञान जरूर दें। आपकी प्रत्येक संतान को कम से कम 3 फोन नंबर याद होने चाहिए और आपको भी। जब भी परिवार व समाज के किसी कार्यक्रम में जाएं, तो अपनी संतानों को भी ले जाएं, इससे उनका मानसिक विकास मजबूत होगा। परिवार के साथ मिल बैठकर भोजन करने का प्रयास करें और भोजन करते समय मोबाइल फोन और टीवी बंद कर ले। अपनी संतानों को बॉलीवुड की कचरा फिल्मों से बचाएं और प्रेरणादायक फिल्में दिखाएं। जंक फूड और फास्ट फूड से बचें। शाम के समय कम से कम 10 मिनट भक्ति संगीत सुने और बजाएं। दिखावे के चक्कर में पड़कर व्यर्थ का खर्चा न करें। 2 किलोमीटर तक जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग करें। अपनी संतानों के मन में किसी भी प्रकार के नशे, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करें तथा उसे विकसित करें। सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने भोजन का ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। अपने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। नित्य प्रतिदिन पूजा दीपदान अवश्य करें।